हेलो एंड वेलकम टू क्वालिफाइड विजन। यार जिस चीज़ का हम करीब करीब साल भर या साल नहीं 2-3 साल हो गया, करीब करीब 1000 डेज कंप्लीट हो चुके थे, जिसका हमको भी सबसे इंतजार था, जिसके लिए हमने बहुत सारे ट्विटर कम्पेन्स चलाए, बहुत बड़े लेवल पे चलाया। आखिर वो दिन आ ही गया, वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। और अभी मैं बहुत खुश हूँ, शायद वो आपको मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन ना दिख रहा हो, थोड़ा मैं किसी अन्य जगह बिजी हूँ इस समय, पर ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है यार, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी दिन से ग्रुप डी का इंतजार कर रहे थे, जो इसको एकदम अपना लक्ष्य बना चुके थे कि इसमें हमको जॉब चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले यूँ कहें कि आधा या 1 घंटा पहले ही रेलवे के द्वारा एक नोटिस डाला गया है, जो कि लेवल वन एग्जाम के रिगार्डिंग है, वो 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और इसके जो एडमिट कार्ड से वो 10 दिन पहले ही जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 13 फरवरी से वो एग्जाम जो शेड्यूल है, जो आपका जो जहाँ पे जिस सिटी में एग्जाम्स होगा, जो आपका जो सीट जिस सीट में आपको एग्जाम रहेगा, वो सारी चीज़ आपको बता दिया जाएगा 10 दिन पहले। तो ये बहुत बड़ी खबर, शायद ये चीज़ मैं आपको बयान नहीं कर सकता अभी, ये कितनी खुशी की बात है। ठीक है, अब आप लग जाइए, बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए, जो भी आप तैयारी को रोके हुए थे उसको फिर से स्टार्ट कर दीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। और ठीक है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। और जहाँ तक NTPC CVT 2 की बात है, वो केवल उसमें 7 लाख बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो उसका एग्जाम कहीं ना कहीं 1 हफ्ते के अंदर ही करवा लेंगे वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें करोड़ों स्टूडेंट हैं, तो ये एग्जाम कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने लगभग चलेंगे, ठीक है, और अगर कोई पैंडेमिक नहीं आया तो आई होप आपको सारी बात समझ भी आ गई होगी। आपको मैं दोबारा से बताऊंगा कि NTPC ग्रुप डी एग्जाम का जो एग्जाम नोटिस है, जो आपका एग्जाम नोटिस, जो एग्जाम का डेट है, वो अनाउंस कर दिया गया है, 23 फरवरी से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो नोटिस का मैं लिंक इसी वीडियो के नीचे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ डाउट्स होते हैं ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड, आप सबको पता होगा कि मैंने 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई करा था, मैंने उसमें फिजिकल भी क्वालिफाई करा था, ठीक है। पर अभी मेरा वेटिंग है, शायद पता नहीं कब क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मैं इस बार वाली ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ। और वो सभी विद्यार्थी, सभी छात्र जो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कोई रिलेटेड कोई डाउट हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, ठीक है, कोई सा भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अभी टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको प्लीज ज्वाइन कर लेना, जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है। और तैयारी अब कंटिन्यू रखो, ठीक है, अब जो भी कुछ नहीं करना है, एग्जाम डेट आ चुका है, क्लियर है, ठीक है। NTPC के बाद हो या कुछ भी हो, उससे कोई डाउट लेना देना नहीं है, पर आपका एग्जाम डेट अब आ चुका है, ये क्लियर सी बात है, ठीक है, बिल्कुल फेक सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। तो अब से रेडी रहो, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, जो भी चीज़ पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।